हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक माय नेम इज ऋतिक जैन एंड वी आर स्टडिंग मैथमेटिक्स चैप्टर फाइव अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स एंड सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने पढ़ा कि पॉलीगन क्या होता है पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स फिर हमने पढ़ा ट्राइंगल के बारे में जो हमारा पहला पॉलीगन था या फिर हम यूं कहें कि इट वॉज अ पॉलीगन विथ लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स थ्री साइडेड पॉलीगन। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रीलेट्रल्स के बारे में तो क्वाड्रीलेटरल क्या होता है इट इज अ फोर साइडेड पॉलीगन। या फिर हमारे पास काफी सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वाड्रीलेट्रल्स हैं तो हम वन बाय सबको देखते हैं द फर्स्ट वन इज रेक्टेंगल स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि आपके जोमेट्री बॉक्स में दो सेट स्क्वेयर थे एक थर्टी सिक्सटी नाइनटी और एक फोर्टी फाइव नाइनटी फोर्टी फाइव मैंने आपको दोनों के बारे में बताया था तो अगर आप दो 30, 60, 90 सेट स्क्वायर को कुछ इस तरह अरेंज करेंगे तो जो आपको शेप मिलेगा उसको हम कहते हैं एक रेक्टेंगल हम यहाँ पे सब क्वाड्रिलेटरल्स की बात कर रहे हैं ये पहला टाइप का क्वाड्रिलेटरल है अ रेक्टेंगल अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले हम एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं कि पैरल लाइन्स और पर्पेंडिकुलर लाइन्स क्या थी तो अगर दो लाइन्स ए बी एंड सी डी अगर हमारे पास दो लाइंस थी विच विल नेवर इंटरसेक्ट अगर ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो हम कहते थे दीज लाइंस आर पैरल लाइंस ओके okay, ए बी एंड सी डी आर पैरल लाइंस और हम इसको डिनोट करते थे ए बी इज पैरल टू सी डी ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं परपेंडिकुलर लाइंस. आप सबको याद होगा अगर दो लाइंस इंटरसेट करती हैं, यह है मेरी लाइन पी क्यू एंड आर एस अगर दो लाइंस इंटरसेट करती हैं, सच दैट कि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है या फिर राइट एंगल होता है तो हम कहते थे दीज टू लाइंस आर पेंडीक्यूलर टू इच अदर तो इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री देन आई विल से दीज टू लाइंस आर पड़ीक्यूलर टू ईच अदर ओके एंड आई विल डिनोट इट लाइक दिस पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू आर एस क्या मतलब हुआ कि पी क्यू और आर एस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो वापस चलते हैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पे तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल तो अगर इस रेक्टेंगल की मैं नेमिंग कर दूं ए बी सी एंड डी तो अपोजिट साइड्स आर पैरल तो अपोजिट साइड्स हैं ए एंड सी तो मैं कहूँगा ए बी इज़ पैरल टू सी डी एंड ए डी एंड बी सी तो ए डी और बी सी भी पैरल होंगी तो अपोजिट साइड्स आर पैरल इन अ रेक्टेंगल ठीक है नेक्स्ट इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल अपोजिट साइड्स पैरल भी होती हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं एक रेक्टेंगल में तो मैं कहूँगा कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी

एंगल बी एंगल सी एंड एंगल डी आर 90 डिग्री इन अ रेक्टेंगल ठीक है नेक्स्ट देखते हैं एक स्क्वायर. यूज अ पेयर ऑफ 45 45 90 सेट स्क्वायर और उन दो को अगर आप कुछ ऐसे अरेंज कर दें तो आपको एक स्क्वायर मिलेगा इस शेप को हम कहते हैं एक स्क्वायर. तो अब देखते हैं स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह इसमें भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी तो अगर मैं इसकी नेमिंग दे दूं ए बी सी एंड डी तो अपोजिट साइड्स हैं ए बी एंड सी डी तो ए बी इज़ पैरल टू सी डी सिमिलरली ए डी और बी सी भी पैरल होंगी तो ये हुई मेरी अपोजिट साइड्स आर पैरल नेक्स्ट इज ऑल साइड्स आर इक्वल रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट साइड्स ही इक्वल थी बट यहाँ पे सारी साइड्स इक्वल होंगी मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर नेक्स्ट इज एडज साइड्स आर परपेंडिकुलर सिमिलर टू रेक्टेंगल इसमें भी एडजस्टेंड साइड्स पपेंडिकुलर होगी मतलब ऑल एंगल्स विल बी 90 डिग्री एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंड एंगल डी ऑल विल इक्वल्स टू नाइन्टी डिग्री और ऑल विल बी राइट एंगल्स ओके नेक्स्ट इज़ अब पैरलेलोग्राम स्टूडेंट्स नेम थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है एक बार प्रोनाउंस करने में बट आप बिल्कुल करेक्टली प्रोनाउंस करेंगे इसको पैरलेलोग्राम अब आप देख सकते हैं ये पैरलेल वर्ड का यहाँ पर यूज़ हुआ है तो हम देखते हैं ऐसा क्यों है तो अगर आप दो थर्टी सिक्सटी नाइन्टी सेट स्क्वेयर को कुछ ऐसे अरेंज कर दें तो आपको एक पैरलेलोग्राम मिलेगा अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है और क्या डिफरेंस है इसमें और पिछली वाली शेप्स में तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल सबसे पहला अपोजिट साइड्स विल बी पैरेलल अगेन मैं इसकी नेमिंग करता हूँ सिमिलरली ए बी सी और डी तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल मतलब ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी विल बी पैरेलल टू बी सी ठीक है एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी तो सर अब आप कहेंगे कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है दोनों में अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं दोनों में अपोजिट साइड्स इक्वल हैं एक मेजर डिफरेंस है कि रेक्टेंगल में सारे एंगल्स 90 डिग्री होना कंपलसरी था मेरा रेक्टेंगल कुछ ऐसा दिखता था ये चारों एंगल्स 90 डिग्री होना कंपलसरी था बट पैरेलोग्राम में ऐसा नहीं है ये एंगल कुछ भी हो सकता है बस ये दोनों प्रॉपर्टीज़ फॉलो होना चाहिए कि अपोजिट साइड्स आर पैरल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल आप पैरेलोग्राम को और भी तरीके से बना सकते हैं मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ ये दोनों साइड्स पैरल हैं और ये दोनों साइड्स पैरल हैं आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी बना सकते हैं बिल्कुल ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और ये दोनों साइड्स पैरेलल और इक्वल हैं ठीक है तो पैरेलल और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्लियर है नेक्स्ट इज अ रोम्बस अगर आप चार थर्टी सिक्सटी नाइन्टी सेट स्क्वायर यूज करें इफ़ यू यूज़ फोर थर्टी सिक्सटी नाइन्टी सेट स्क्वायर और उनको आप ऐसे अरेंज कर दें तो आपको एक रोम्बस मिलेगा इसको हम बोलते हैं एक रोम्बस अब देखते हैं कि रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बिल्कुल रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की जैसे अपोजिट साइड्स यहां भी पैरेलल होती हैं। तो इफ इट इज माय रोम्बस ए बी सी डी तो ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी करेक्ट और ए डी विल बी पैरेलल टू बी सी यस सो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल नेक्स्ट इज ऑल साइड्स आर इक्वल बिल्कुल स्क्वायर की तरह ही इसमें भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी तो ऑल साइड्स आर इक्वल अब आप फिर से कहेंगे कि सर रोमबस में और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है क्योंकि स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल थी और सारी साइड्स इक्वल थी तो यहाँ पे भी वही डिफरेंस है क्योंकि स्क्वायर में सारे एंगल्स 90 डिग्री थे ऑल एंगल्स वर 90 डिग्री और राइट एंगल बट यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है स्क्वायर मेरा कुछ इस तरह का दिखता था यहाँ पे चारों एंगल्स 90 डिग्री होते थे बट रोम्बस में ऐसा ज़रूरी नहीं है ये सारे एंगल्स 90 डिग्री हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते मेरी कंडीशन क्या है कि सारी साइड्स इक्वल और पैरेलल होनी चाहिए तो आप रोम्बस कुछ इस तरह भी बना सकते हैं यह भी एक रोम्बस ही आएगा क्योंकि इसमें भी सारी साइड्स इक्वल हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं ठीक है थीके? तो नेक्स्ट हम देखते हैं एक ट्रिपेजियम अगर आप मल्टीपल सेट स्क्वायर का यूज़ करके कुछ ऐसी शेप बनाएं तो हम इसको कहेंगे एक ट्रिपेजियम क्या कहेंगे इसको हम ट्रिपेजियम आप इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है इसकी सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरल होता है सिर्फ एक प्रॉपर्टी है कि वन ऑफ ऑफ साइड्स इज पैरल तो यहां पे इफ दिस इज अ ट्रिपेजियम ए बी सी एंड डी देन ए बी इज पैरल यहां पे सिर्फ और सिर्फ ए बी और सी डी ही पैरल होंगे ए डी और बी सी पैरल नहीं होंगे और स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि मैंने इक्वल के बारे में भी कुछ नहीं कहा है कि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं या फिर सारी साइड्स इक्वल होती हैं मेरे पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी है कि ए बी इज पैरल टू सी डी ठीक है इट इज अ क्वारेटरल इन विच अ पेयर ऑफ टू अपोजिट साइड्स इज पैरल इट इज़ अ ट्रिपेजियम सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरल होगा बाकी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सिमिलरली आप ट्रेपेजियम को भी काफ़ी तरीके से बना सकते हैं आप ट्रेपेजियम कुछ ऐसा भी बना सकते हैं जिसमें ये साइड और ये साइड पैरेलल है आप ऐसा ट्रेपेजियम भी बना सकते हैं जिसमें ये दोनों साइड्स पैरेलल है तो काफ़ी सारे तरीके हैं ट्रेपेजियम को बनाने के तो हमने पांच टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स देखे रेक्टेंगल स्क्वायर पैरेललोग्राम रोम्बस एंड ट्रेपेजियम तो अब एक ये टेबल हम फिल करते हैं उन्हीं की प्रॉपर्टीज की बेसिस पे तो सबसे पहले पैरेललोग्राम ऑलरेडी फिल्ड है देखते हैं कि अपोजिट साइड्स पैरेलल यस अपोजिट साइड्स इक्वल यस हां अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं एक पैरेललोग्राम में ऑल साइड्स इक्वल नहीं पैरेललोग्राम में सारी साइड्स इक्वल नहीं थी अपोजिट एंगल्स इक्वल यस पैलोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं डाइगनल्स आर इक्वल नो डाइगनल्स बराबर नहीं होती हैं एंड डायगनल्स आर पपेंडिकुलर नो डाइगनल्स आर ऑल्सो नॉट पपेंडिकुलर वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करती नेक्स्ट हम देखते हैं रेक्टेंगल तो स्टूडेंट्स रेक्टेंगल की शेप अगर हम बनाएं तो वो कुछ इस तरह था ठीक है तो अपोजिट साइड्स पैरल यस अपोजिट साइड पैरल हैं बिल्कुल हैं अपोजिट साइड इक्वल हैं यस अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरल भी हैं ठीक है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल हां क्योंकि सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल यस डायगनल आर इक्वल यस यहां पे आप डायग्नल कैसे बनाएंगे दिस विल बी माई वन डायंगनल दिस विल बी माई अनदर डायगन तो दोनों डायंगल्स इक्वल होंगी एक रेक्टेंगल में डायगनल्स और पपेंडिकुलर नहीं रेक्टेंगल की डायगनल पपेंडिकुलर नहीं होती हैं वो दोनों एक दूसरे को नाइन्टी डिग्री पर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो डायगनल्स और पपेंडिकुलर नो फॉर अ रेक्टेंगल नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्वायर कुछ ऐसा हमारा स्क्वायर बनता है ठीक है तो अपोजिट साइड्स आर पैरल येस स्क्ट साइड पैरल होती है सो दिस विल बी यस अपोजिट साइड ऑफ अ स्क्र आर पैरल करेक्ट अपोजिट साइड आर इक्वल यस स्क्वेयर की तो सारी साइड्स ही बराबर होती है तो अपोजिट साइड्स विल डेफिनेटली बी इक्वल ऑल साइड इक्वल यस हमने अभी अभी देखा ऑल साइड्स आर इक्वल इन अ स्क्वायर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल स्क्वेयर के भी सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे सो दिस विल आल्सो बी यस नेक्स्ट इज डायग्नल आर इक्वल यस अगर आप स्क्वेयर में डाइग्नल्स बनाएंगे तो आप देखेंगे कि दोनों डाइग्नल्स इक्वल होती हैं तो डायग्नल्स आर इक्वल इन अ स्क्र नेक्स्ट ऑलरेडी फील्ड है डायग्नल्स आर पेंडिकुलर अगर आप किसी भी स्क्वायर की डायगनल्स बनाएंगे और इन दोनों के बीच का एंगल मेजर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 90 डिग्री होता है एक स्क्वायर के केस में ठीक है तो नेक्स्ट हम देखते हैं एक रोम्बस कुछ ऐसा बनता है रोमबस हमारा ठीक है तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल यस हमने पढ़ा था कि रोम्बस में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल रोम्बस में तो सारी साइड बराबर थी तो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी ऑल इक्वल इक्वल यस अपोजिट एंगल्स ये ऑलरेडी फिल किया हुआ है कि रोम्बस में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं अब कैसा भी रोम्बस बनाए आप देखेंगे कि अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे एक रोम्बस के केस में भी और स्क्वायर के केस में भी नेक्स्ट इज डाइग्नल्स आर इक्वल डायगनल्स इक्वल नहीं होती है ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके रोम्बस के डाइंगल्स इक्वल हों सपोज मैं एक रोम्बस कुछ ऐसा भी बना सकता हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें डाइगनल्स इक्वल नहीं हैं तो दिस इज नॉट एवरी टाइम ट्रू नेक्स्ट इज डाइगनल्स आर पपेंडिकुलर यस। आप रोम्बस के केस में देखेंगे कि डाइगनल्स भले ही इक्वल ना हो बट ये हमेशा 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे आप कैसा भी रोम्बस बनाएं हमेशा डायंगनल 90 डिग्री पे ही इंटरसेक्ट करेंगी ठीक है तो लास्ट है ट्रिपेजियम उससे पहले हम उसका एक रफ फिगर बनाते हैं ट्रिपेजियम हमारा कुछ इस तरीके से बनता था ठीक है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल नो क्योंकि एक ही पेयर पैरल होता है दोनों पेयर पैरल नहीं होते हैं नेक्स्ट इज अपोजिट साइड इक्वल नो दिस इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी या इट इज ऑलरेडी फिल्ड ऑल साइड्स इक्वल अगेन नो सारी साइड्स इक्वल नहीं होती है अपोजिट एंगल्स इक्वल अगेन दिस इज नॉट ट्रू अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं ज़रूरी नहीं है डायगनल्स आर इक्वल ऐसा भी जरूरी नहीं है इस केस में हो सकता है आपको लगे कि डायगनल इक्वल हैं बट अगर मैं कुछ ऐसा ट्रिपेजियम बनाऊं तो आप देखेंगे कि डायग्नल्स इक्वल नहीं है एक डायग्नल बिल्कुल छोटी सी है और दूसरी डायग्नल काफी लंबी है सो दिस इज अगेन नो डायग्नल्स आर पर्पेंडिकुलर डेफिनेटली नो डायगनल्स पर्पेंडिकुलर नहीं होती है तो हमने ये पूरी टेबल फिल कर ली प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जितने भी हमने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े नाउ लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज एंड सी सम क्वेश्चंस फर्स्ट इज वी हैव टू से ट्रू और फॉल्स ईच एंगल ऑफ आर रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल करेक्ट हमने देखा था कि सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं तो ईच एंगल ऑफ अर रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल येस इट इज ट्रू द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं येस yes. again this will be true the diagonals of a square are perpendicular to one another हमने अभी अभी देखा कि square की diagonals एक दूसरे के perpendicular होती हैं या फिर 90 degree पर intersect करती हैं so this will also be true next all the sides of a rhombus are of equal length yes हमने rhombus में देखा था कि opposite sides parallel होती हैं और सारी sides equal होती हैं so this will be ऑल द साइड ऑफ अ पैरलोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ नो पैरलोग्राम में सारी साइड्स इक्वल नहीं होती है सो दिस विपेजियम आर पैरल नो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरल बट बोथ आर नॉट पैरल सो दिस इज अगेन फॉल्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग स्क्वेयर कैन बी थाट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल क्या हम स्क्वायर को एक स्पेशल रेक्टेंगल कह सकते हैं हाँ कह सकते हैं अगर आप रेक्टेंगल की सारी साइड्स को इक्वल कर दें तो वो एक स्क्वायर बन जाएगा रेक्टेंगल और स्क्वायर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस था कि रेक्टेंगल में सारी साइड्स इक्वल नहीं थी सिर्फ और सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल थी तो अगर रेक्टेंगल को मैं सारी साइड्स इक्वल कर दूँ तो उसको हम एक स्क्वायर कह सकते हैं ठीक है नेक्स्ट अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरलोग्राम हाँ बिल्कुल कह सकते हैं अगर पैरलोग्राम के सारे एंगल्स को आप 90 डिग्री कर दें तो उसको हम एक रेक्टेंगल कहेंगे पैरलोग्राम आपका कुछ ऐसा था अगर इसके सारे एंगल्स को हम 90 डिग्री कर दें तो इसको हम एक रेक्टेंगल कहेंगे ठीक है नेक्स्ट इज अ स्क्र कैन बी थाट ऑफ एज अ स्पेशल रोम्बस क्या हम स्क्वायर को एक स्पेशल रोम्बस कह सकते हैं बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि एक ही डिफरेंस था कि स्क्वायर में सारे एंगल्स 90 डिग्री थे तो अगर रोम्बस के सारे एंगल्स को हम 90 डिग्री कर दें तो उसको हम एक स्क्वायर कहेंगे ठीक है स्क्वेयर्स रेक्टेंगल्स एगल्स पैरलोग्राम्स आर ऑल क्वाड्रिलेटरल्स यस बिकॉज ऑल ऑफ दीज हैज़ फोर साइड्स एंड क्वाड्रिलेटरल वॉज अ पॉलीगन विथ फोर साइड्स सो ऑल दीज आर क्वाड्रिलेटरल्स ओके नेक्स्ट इज स्क्वेयर इज ऑल्सो अ पैरले ग्राम यस स्क्र इज ऑल्सो अ पेरेलोग्राम विथ ऑल द साइड्स इक्वल एंड ऑल द एंगल्स 90 डिग्री तो स्क्वायर को भी हम एक पेरेलोग्राम कह सकते हैं ठीक है नेक्स्ट इज अ फिगर इज सेट टू बी रेगुलर इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर एक फिगर को हम रेगुलर फिगर तब कहते हैं जब उसकी सारी साइड्स इक्वल हो और सारे एंगल्स बराबर हो, तो कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल? तो हमने जितने भी क्वाड्रिलेटरल पढ़े उसमें से हमारा रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कौन सा है तो हमने पांच टाइप के क्वाड्रिलेटरल पढ़े सबसे पहले हमने देखा रेक्टेंगल तो क्या रेक्टेंगल रेगुलर है नहीं सारी साइड्स इक्वल नहीं है फिर स्क्वायर की बात करते हैं स्क्वेयर में सारी साइड्स भी इक्वल थी और सारे एंगल्स भी इक्वल थे 90 डिग्री तो हम इसको कह सकते हैं कि इट इज़ अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल ठीक है नेक्स्ट हमने देखा एक पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम में भी सारी साइड्स इक्वल नहीं है तो दिस इज आल्सो नॉट अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल फिर हमने देखा रोम्बस रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल थी बट एंगल्स इक्वल नहीं थे रोम्बस के सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल फिर हमने फाइनली देखा एक ट्रिपेजियम तो ये तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसकी साइड्स ही इक्वल नहीं है तो जो हमने पढ़ा उसमें से सिर्फ स्क्वेयर एक है विच कैन बी कॉल्ड अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल ओके सो दिस सम्स अप आर एक्सरसाइज एंड आर टॉपिक फॉर टुडे In the next video, we will take this chapter further. See you in the next one. Okay, thank you.